हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं झारखंड में राष्ट्रपति शासन के बारे में, और यहाँ पर जितने भी जानकारियाँ होंगी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा। तो आपको इसको आसानी से और ध्यानपूर्वक पढ़ना है और देखना है, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, झारखंड 2000 ईस्वी में बना हुआ है, और अभी वर्तमान में देखते हैं तो 20 साल इसका हो गया है। लेकिन यहाँ पर इन्हीं 20 सालों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो राजनीतिक है वह उठक बैठक है, इसी कारण से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन को लगाना पड़ा है। तो यहाँ हम बात करेंगे अभी कि 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 बार। तो हम इसको भी लिख देता हूँ मैं आपको कि झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और यह जो 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो यहां पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण में यह लगा हुआ है। तो राष्ट्रपति शासन होता क्या है, राष्ट्रपति क्या है, इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो जितनी बार लगी है राष्ट्रपति शासन उसको देखते हैं। तो जो सबसे पहला है, जो सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था झारखंड में, वह उसका डेट है 19 जनवरी 2009 से लेकर के 29 दिसंबर 2009 तक। तो यहाँ है जो डेट पहला नंबर में कि 19 जनवरी 2009 से लेकर के 29 दिसंबर 2009 में। और यह तो सबसे पहली बार लगा था, तो यह फर्स्ट बार लगी थी, तो इसको तो ध्यान रखना ही रखना है। साथ ही साथ इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि उस वक्त जब राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार, तो उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे और राज्यपाल कौन थे। तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे जिसके समय में राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था, तो वह थे शिबू सोरेन। तो इनके शासन के समय में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये तो मुख्यमंत्री तो लगभग पूछा ही जाता है, लेकिन हो सकता है कि झारखंड के एग्जामों में क्वेश्चन पूछ ले जरा राज्यपाल कौन थे इससे। तो उस समय जो राज्यपाल थे वह थे सैयद सिब्ते रजी। तो उस समय के जो राज्यपाल थे उनका नाम था सैयद सिब्ते रजी। तो पहली बार जो लगा था उस समय मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे और राज्यपाल जो थे वह सैयद सिब्ते रजी थे। तो इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे से याद रखना है हमें। और जो पहला जो डेट है वह है 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक। अब देखते हैं दूसरी बार कब लगा था। तो दूसरी बार जो है यहाँ पर जो सेकेंड है यह लगा था 1 जून 2010 से लेकर के 10 सितंबर 2010 तक। तो यह डेट है 1 जून, मतलब 1 जून 2010 से लेकर के 10 सितंबर 2010 तक लगा था। और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे और जो राज्यपाल थे उसको देख लेते हैं। तो उस समय के भी मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय के भी मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन, और उस वक्त के राज्यपाल कौन थे, तो उस वक्त के राज्यपाल थे MOH फारूक। तो यहां पर मैं उसको भी लिख देता हूं MOH फारूक। तो ये दोनों हैं, इन दोनों नामों को भी हमें ध्यान रखना है अच्छे से। और तीसरी बार जो लगा था राज्यपाल जिसका शासन करते हैं, राष्ट्रपति शासन जब लगता है उस समय, तो जो थर्ड टाइम के जो राष्ट्रपति शासन था उसका जो डेट है हुआ है 18 जनवरी 2013 से लेकर के 12 जुलाई 2013 तक। तो डेट है 18 जनवरी 2013 से लेकर के 12 जुलाई 2013। जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो उस समय होता क्या है कि राज्य का जो शासन होता है वह सीधे तौर पर राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है राष्ट्रपति के आदेश अनुसार से। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जब भी राज्यपाल शासन कर रहा है किसी भी राज्य में, तो उसका मतलब है कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो राष्ट्रपति के
एक एजेंट के रूप में वह वहाँ पर शासन चला रहा है और सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था राष्ट्रपति कर रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अब यह है जो थर्ड वाला है वो उसका डेट है ये। अब उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे जब तीसरी बार लगा था, तो वह थे अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा। और जब तीसरी बार शासन लगा राष्ट्रपति का, उस समय राज्यपाल जो थे वह थे सैयद अहमद। सैयद अहमद जो 3 बार लगा था उसमें से राज्यपाल तीनों अलग अलग हुए, लेकिन मुख्यमंत्री जो थे उसमें से 2 बार लगा हुआ शिबू सोरेन के समय में, पहला वाला में और दूसरा वाला में। तो यहां से यह भी ध्यान रखना है। और जो तीसरी बार लगा था उस समय अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे। और अभी अगर बात करते हैं वर्तमान में, तो अर्जुन मुंडा अभी केंद्रीय मंत्री बने हैं जनजातीय मामलों के। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो पूछा जा सकने वाला है वो क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था झारखंड में, उस समय के गवर्नर कौन थे। यहाँ से मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री लगभग सभी को याद भी रहती है, तो आपको राज्यपाल भी याद रखना जो मैंने आपको बता दिया है। अब राष्ट्रपति शासन क्या है, या तो फिर राज्यपाल जो शासन करता है तो यह क्या है, इसको भी मैं बता देता हूँ। तो राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 52, यानी कि आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52 जिसको कहते हैं। तो इसको मैं इधर में बता रहा हूँ आपको। तो राष्ट्रपति के बारे में अगर आपको जानना है, तो राष्ट्रपति के बारे में है भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52, तो 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। यहाँ से आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब राष्ट्रपति शासन क्या होता है, तो अभी मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया कि राष्ट्रपति शासन जब भी कहीं राज्य में लगती है तो उस समय शासन जो होता है वह सीधे राज्यपाल के हाथों में चला जाता है। और राष्ट्रपति का 3 आपातकालीन शक्तियां होती है, उसमें से जो दूसरी शक्ति है वह है राष्ट्रपति शासन। तो यहाँ पर यह भी जानकारी देख लेते हैं। तो इसका 3 होता है आपातकालीन शक्तियां, यह होती हैं राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियां होती हैं, उसमें से जो है राष्ट्रपति शासन वह दूसरे नंबर की है। तो आपको बस अभी राष्ट्रपति शासन के बारे में ही यहाँ पर जानना है। राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक लग सकती है इसके बारे में भी देखते हैं। तो राष्ट्रपति शासन जो होती है वह 6 महीना तक लगती है, यानी कि राज्यपाल 6 महीना तक शासन कर सकता है एक एजेंट के रूप में राष्ट्रपति के। तो यह है कि राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक, 6 महीने तक लग सकती है। और यह हर 6 6 महीने करके, मतलब 6 6 महीना हर बार बढ़ाते हुए मैक्सिमम 3 साल तक लगाया जा सकता है। तो यहाँ से यह भी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति शासन जो होता है वह 6 6 महीना करके 3 साल तक मैक्सिमम बढ़ा सकता है, लेकिन अगर एक बार लगता है या तो फिर एक बार में अगर उसका हो जाता है सही सलामत, तो फिर वह 6 महीना तक ही लगता है। तो इसको भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि 6 6 महीने बढ़ाकर अधिकतम 3 साल तक, 3 साल तक यह राष्ट्रपति शासन लगा रह सकता है। तो यह हो गया राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी जानकारी और उनकी जो 3 आपातकालीन शक्तियां हैं उसके बारे में, और जो 6 6 महीना करके 3 साल तक अधिकतम बढ़ाया जा सकता है, तो यह बता दिया। अगर हम बात करेंगे कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वह थे प्रभात कुमार। और
अभी जो वर्तमान में कौन है तो इसको भी देख लेते हैं। झारखंड के पहले यानी कि फर्स्ट राज्यपाल, तो यह कौन थे, तो इनका नाम है प्रभात कुमार। तो यह पहले राज्यपाल हैं, यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। और अगर वर्तमान में बात करते हैं, वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में राज्यपाल जो है वह है द्रौपदी मुर्मू। और ये जो द्रौपदी मुर्मू है वह अभी झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। और यह कितने नंबर की है, तो यह है 9th नंबर की, तो यह है 9th नंबर की, तो यहाँ से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो पहले जो राज्यपाल रहे थे उनका नाम था प्रभात कुमार, और वर्तमान जो राज्यपाल है वह है द्रौपदी मुर्मू, और यह 9वें नंबर की राज्यपाल हैं झारखंड की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता के कारण राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जबकि अभी झारखंड के बने हुए मात्र 20 साल ही हुए हैं। तो जितनी भी जानकारियाँ थी वहाँ से आप लोगों को हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, देख सकते हैं, इसको ध्यानपूर्वक याद रख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।